हेलो गाइस, तो अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर इस फील्ड से रिलेट करते हो, जैसे कि इसमें जॉब करना, जैसे कोई सुपरवाइज़र या इंजीनियर या सुतार फिटर कुछ भी काम हो, और अगर आपको मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले या आपको सपोज़ मंदिर बनाने का काम मिले, तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट होता है उसका डोम बनाना, उसके ऊपर का जो गुंबद होता है वो। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि गुंबद जो है वो तीन टाइप के बनते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये वाला, ये गुंबद आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी वर्क किया गया है, लेयर बाय लेयर आप देखेंगे तो नीचे अच्छा खासा नक्काशी का काम किया गया है। उसके बाद में एक 6-7 फुट के हाइट पे वापस से जो है वो नक्काशी का काम किया गया है, उसमें मंदिर बनाए गए हैं और काफ़ी कुछ बनाया गया है। देखिए डिज़ाइन इतना प्रॉपर डिज़ाइन किया गया इसको। ये तो हो गया पहला वाला, इसको बनाने में खर्च भी काफ़ी आएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला डोम। ये देखिए, अब ये डोम बनाने में आपको खर्च भी कम आएगा और समय भी कम लगेगा, क्योंकि ये उससे सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। अब मैं आपको एक और डोम दिखाता हूँ जो इससे भी सिंपल है। देखिए तीसरा डोम है ये वाला डोम, ये बनाना सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ काम किया नहीं गया है। इसमें कारपेंटर को भी आसान पड़ेगा सेटरिंग करने के लिए, मतलब इसको बांधना हो, टोकना हो, भरना हो, और उसके बाद में अगर ये ब्रिक वर्क में भी सपोज करना हो तो भी ये इसको बनाने में मेहनत भी कम लगेगी, खर्चा भी कम लगेगा, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। आप 1x12 का प्लाई ले सकते हैं, उसको आपको जो शेप देना है, जैसा डिज़ाइन बनाना है वैसा आप डिज़ाइन बना के उस प्लाई पे उसको कट करके से कारपेंटर जो है मशीन से काट के उसको उस जगह पे प्रॉपर रख के, और फिर प्लास्टर, मतलब जैसे प्लास्टर आप माल चढ़ा के उसके बाद वो पट्टी को रख के आप उसको कट कर दीजिए। इससे जो है वो डिज़ाइन एक जैसा आएगा, और क्योंकि वो फर्मा बना रहेगा और वही फर्मा आप हर जगह यूज़ करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन रहेगा वो सिमिलर दिखेगा एक दूसरे से। तो इस तरह से आप जो है वो अपना डोम का काम कर सकते हैं। थैंक यू।